मैं ऋषिकांत कुमार बोल रहा हूँ। यह लगभग बिहार का सबसे दूसरा स्थान है। यह मंदिर के बारे में जो बहुत ही बढ़िया मंदिर है, और देखिए कितना भव्य तरीका से मंदिर बनाया हुआ है। यह ऊपर शंकर जी का फोटो लगाया, मूर्ति लगाया हुआ, इस तरह से यह मंदिर है। यह बहुत ही उत्तम मंदिर है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह मंदिर जो है बहुत ही बढ़िया है। कोई जो भी कोई बनवाया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह मंदिर है बहुत अच्छा मंदिर है, और यह मंदिर के बारे में जो भी कहा जाए बहुत ही कम है। यह मंदिर सरसई पोखरा के नज़दीक पड़ता है। इसका पोखरा लगभग 52 बीघा में पड़ता है। यह बहुत ही अच्छा मंदिर है। देखिए आप इसका पोखरा का नज़ारा दूर से देखने में बहुत ही रमणीय दृश्य दिखाई देता है। और यही यह पोखरा है, सरसई पोखरा के नाम से इसे जाना जाता है। यह बहुत ही बड़ा मंदिर है। यह मंदिर का बहुत सारा रूम है, यह देख रहे हैं। इसमें अभी काम चल ही रहा है, अभी काम समाप्त नहीं हुआ है। यह बिजली का वायरिंग हो रहा है, इस तरह से यह पोखरा। भाई जी ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, नीचे ठीक। यह देखिए बहुत बड़ा मंदिर है। यह इसमें लगभग करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो गया होगा, जो भी कोई बनाया होगा। इस तरह मंदिर का डिजाइनिंग किया जाता है और मंदिर का नक्शा किया जाता है। देखिए लगता है कि ऊपर का कुछ फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, अभी काम चल ही रहा है। बहुत ही भव्य मंदिर है। यह हिंदू में आस्था रखने वाले के लिए बहुत विशाल मंदिर है। यह देखिए ऊंचाई से इसका दृश्य कैसा दिखाई देता है। यह 52 बीघा में पोखर है। यह मंदिर बहुत ही रमणीय है और अच्छा है मंदिर। इस तरह से यह मंदिर है, इसमें बहुत सारे पर्यटक भी आए हुए हैं। यह मंदिर है, मंदिर के ऊपर देखिए। बंद है ना? यह मंदिर का सबसे ऊपरी भाग है। यह अंदर का दृश्य है। यह सरसई पोखरा के नाम से जाना जाता जाने वाले मंदिर है। अब धीरे धीरे मैं मंदिर के निचले फ्लोर पर जा रहा हूँ। यह मंदिर भी बहुत बेजोर है। देखिए यह मंदिर के अगल बगल का दृश्य का नज़ारा है, जो देखने में बहुत ही बढ़िया है। यह सरसई पोखरा के नाम से जाने वाले मंदिर है। यह बहुत ही है जो हाजीपुर लालगंज के रोड में पड़ता है। यह बिहार राज्य के वैशाली जिला में पड़ता है। यह देखिए नंदी की फोटो है, जिसमें बहुत बहुत बड़े लोग पूजा पाठ करते हैं। हिंदू में आस्था रखने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही उत्तम किस्म का यह मंदिर है। और इसमें यह दिखाना चाहते हैं कि भारत में हिंदुओं की कमी नहीं है, और
और यहाँ देखिए बहुत सारा पर्यटक आए हुए हैं। देखिए बहुत लोग सेल्फी लेने भी व्यस्त है। यह मंदिर है, यह लगभग देखिए इस तरह से यह मंदिर सरसाई पोखरा के नाम से जाना जाता है और यह बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। यह लगभग 171 फीट ऊंचा है और इस तरह ये मंदिर है। देखिए इस तरह से मंदिर है, देखिए बहुत विशाल मंदिर है जो 171 फीट ऊंचा मंदिर है। यह बहुत ही सुंदर और रमणीय मंदिर है। जो शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, शिव मंदिर जो आप गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय जाप भी शिव मंदिर के शिव पर ही आजमाया हुआ है। इस तरह यह मंदिर है। देखिए देखिए बहुत सारे पर्यटक सब आए हुए हैं घूमने के लिए, जो बहुत ही बढ़िया मंदिर है।